वीडियो कैसा लगा ये आप लोग देखकर बताइए और कमेंट कीजिए। हमारा चैनल अभी नया है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब के माध्यम से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी आगे वीडियो बना सकूं, और बेल आइकन दबा दें ताकि पहले आप लोग को नोटिफिकेशन जा सके। और ऐसा है दोस्तों कि आप कोई भी काम करते हैं तो सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी आगे वीडियो बना सकूं आप लोगों के लिए अच्छे। और चैनल में अभी मैं नया हूं, मैं अभी नया क्रिएटर हूं, तो दोस्तों थोड़ा बहुत गलती होता है, इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, अभी मैं सीख रहा हूं। तो यहां पर आप लोग की सपोर्ट करने की ज़रूरत है, आप लोग मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं और भी धीरे धीरे अच्छा करता जाऊँ, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बस इतना ही कहूँगा और कुछ नहीं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करें और अपने भाई को ढेर सारा प्यार दें। लव यू। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आज एक बार फिर से हम लोग आ चुके हैं एक नए फार्म में। ये देखिए, यहाँ पर आपको फार्म ये बना के रखे हैं, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गाय को भी दाना खिलाया जा रहा है। ये फार्म है जिनमें इनमें तीनों चीज़ का यहाँ पर समझिए कि ये फार्म है, मुर्गी का भी, पोल्ट्री फार्म भी है, डेयरी फार्म भी है, और आपको गोट फार्म भी है, इसमें बकरी भी पालते हैं ये लोग। देखिए यहाँ पर गाय भी रखा गया है, यहाँ पर खिलाने वाला ये बंदा है। ये देखिए मुर्गी, ये मुर्गी यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये पूरा सबको रहने का यहाँ पर जगह बनाया गया है मुर्गी सब का। अभी आया है खाना, तो सभी अभी खाने में लगे हुए हैं, मुर्गी बकरी सब एक साथ खाना खाने में लगे हुए हैं। देखिए ये बहुत ही अच्छा, मतलब कि खाने बकरी लोग का खाना का ये बहुत अच्छा ये है, जड़िया है कि बगल के खेती से अपना ले जाइए। अभी तो समझ ही रहे हैं आप लोग कि अभी अभी गोभी वगैरह का सीज़न चल रहा है, गोभी वगैरह अब तो ख़त्म होने वाला है, तो उसी में ये लोग अपना बगल से मंगा कर खिला देते हैं। और आइए आपको मैं दिखा दूँ आप लोगों को कि रहने का जगह यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर एक खरगोश भी है यहाँ पर, मतलब हर तरह के जानवर का यहाँ पर रहने का व्यवस्था किया गया है। और यहाँ पर आपको ये बकरी वगैरह का देखिए चौकी वगैरह यहाँ पर लगा कर रखते हैं, पंखाओं का सब का व्यवस्था है यहाँ पर, चौकी लगा कर रखते हैं ताकि बकरी लोगों का ग्रोथ हो सके इसमें, क्योंकि उसमें उछल कूद करने के लिए उन लोगों को चाहिए ना, तो बकरी के ग्रोथ के लिए चौकी वगैरह लगा कर रखते हैं। देखिए खरगोश है, फिर खरगोश का भी यहाँ पर खेती अच्छा खासा होता है। यहाँ पर आपको देखिए यहाँ भी चौकी लगा कर रखे हैं, तो सुविधा तो देना पड़ेगा आपको, सुविधा देना पड़ता है। और देखिए उसी में छोटे मुर्गी लोग मुर्गी हैं, इसमें खरगोश है, हर तरह का इसमें जो भी पालतू जानवर है उन सभी को यहाँ पर रखा गया है। ये फार्म है, छोटा सा फार्म है, इसमें 400 के आसपास उन्होंने बोला है कि 400 के आसपास इसमें मतलब मुर्गी है सो रखा गया है, और बकरी भी 10-12 बकरी है इसमें, जो कि ये है, ये देखिए ये सभी यहाँ पर अच्छा है। चलिए दोस्तों यही है, इसमें गाय भी रखा गया है, दो तीन ही गाय है, ज़्यादा गाय का संख्या इसमें नहीं है। तो अगर आप लोग को भी अगर इस तरह का फार्म खेती करना हो तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं, और आप लोग खोल सकते हैं, छोटा सा फार्म आप लोग कर सकते हैं, इससे अच्छा खासा इनकम होता है इससे भी। ये मल्टीपल एक तरह से आप फार्म हो गया, ये हर तरह। देखिए हम लोग आ गए हैं यहाँ पर,
यहाँ पर मशरूम की भी खेती होती है, देखिए देखिए कितने तादाद में जी देखिए। हाँ गोबर के मान पर जो होता है मशरूम जी, तो काम का मशरूम नहीं, गोबर के मान पर ये मशरूम होता है ना, ये काम का मशरूम नहीं, खाने वाला मशरूम नहीं है क्या सुनील जी? खाने वाला है नहीं, ये देखिए कैसा आदमी है, ये देखिए ये कहते हैं अपने आप को कृषि सलाहकार है हम, लेकिन ये सही सलाहकार नहीं है, ये देखिए ये अच्छा खासा यहाँ पर देखिए मशरूम की खेती होती है। कितना होगा लगभग पीस जी यहाँ पर? अभी 3 महीने से। 3 महीना नहीं, कितना बैग हुआ लगभग? हाँ तीन सौ के आसपास बैग होगा ना? नहीं, 250 के आसपास बैग है। अच्छा 100 ग्राम एक बैग से निकल जाएगा? अच्छा मशरूम हटो। देखिए दोस्तों यहाँ पर इसको पन्नी को फाड़ कर यहाँ निकला गया, निकाला गया है, देखिए टूट गया, चलिए हटाइए। देखिए ऐसे ही निकल जाता है मशरूम, वो टूट भी गया, निकल गया उधर से। खाने वाला है जी मशरूम? नहीं तो जिस तरह का मशरूम है, देखिए ऐसे ये निकल चुका है, ये मशरूम निकल चुका है यहाँ से, आप उसपे छेद कर दीजिएगा तो वो मशरूम वहाँ से निकल जाएगा। देखिए तो एक ठंडे कमरे में इसका खेती होता है, जहाँ पे ठंड, जहाँ पे छांव होगा वहाँ पर इसका खेती किया जाता है, और पोला वगैरह पाल वगैरह भी लोग इसमें रखते हैं। यही भैया यहाँ पर सब देख रेख करते हैं, काफी इनको मेहनत करना पड़ता है का हो? अच्छा ओ का महीना में तैयार हो गई? काई महीना ने आहो, ये तो गर्मी है, तो गरी तो ठंडे में ना होई ना, ठंडा नहीं, हर महीना पर होता है, गर्मियों में भी होता है, मतलब कितना महीना में तैयार हो जाता है? किलो तैयार हो जाए नहीं देते, कितना महीना नहीं, यह एक महीना नहीं निकलने लगता है, एक महीना बाद डाली, एक महीने बाद निकलना शुरू। अच्छा मतलब कि फायदा उदा भी होता होगा ना? फायदा इसमें है नहीं, फायदा बहुत है कि देखिए दोस्तों। हाँ दिखाइए, क्या नाम इसका? मशरूम है। कौन सा मशरूम? ऑस्टर्ड मशरूम। ऑस्टर्ड मशरूम है ना, मशरूम भी 4-5 तरह का होता है ना जी? अरे बहुत तरह का होता है, बहुत भाई करोड़ों रुपए मिलता है मशरूम, 4-5 तरह का मशरूम, तो मशरूम की खेती भी है। देखिए यहाँ पर मल्टी फार्मिंग होता है यहाँ पर, काफी अच्छा लगा। देखिए इसी से इसको क्या बोलते हैं, वो कुट्टी, तलकुट्टी, कुट्टी कटवा मशीन एक तरह से बोलते हैं गांव के भाषा में। तो ये देखिए यहाँ पर चारा बनाया, काटा जा रहा है गाय के लिए, बकरी के लिए, और मुर्गी भी खाता है इसको, मुर्गी भी खाता है, मतलब कि सब जानवर इसको खाते हैं। अब चलिए, हाँ क्या नाम हुआ आपका भैया? हमारा नाम है गुड्डू। गुड्डू, चलिए गुड्डू जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको भी खेती करने का, फार्मिंग करने का मन होगा, मन बना रहे हैं तो काफ़ी अच्छा है, आप कर सकते हैं। ये मल्टी फार्मिंग एक तरह से हुआ, हर तरह का यहाँ पर फार्मिंग किया जाता है, काफ़ी अच्छा है सभी के लिए। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, आप लोग करना चाहेंगे तो काफ़ी अच्छा है, कर सकते हैं।